पंचावटी नाम के एक गांव में शुभम नाम का एक दर्जी हुआ करता था। उसकी एक पत्नी और एक बच्ची थी। वो अपने घर के पास ही कपड़े सिलता था। उसकी पत्नी को भी कपड़े सिलना सिखाया। वो उसकी बेटी बड़े अच्छे से देखने लगी। उसके घर के आगे बापची नाम का एक दूसरा सिलाई करने वाला दर्जी रहता था। उसे सिलाई ठीक से नहीं आती थी, तो लोग ज्यादातर उसके पास नहीं आते थे। वो हमेशा शुभम को देखकर जलते रहता था। छी कमीना, नए नए मॉडल्स पता नहीं कहाँ से देखकर सीखता रहता है। सबको उसी के सिलाई की आदत है, किसी भी तरह इसे सबक सिखाना होगा, कहकर डांटने लगा। एक दिन वो शुभम के घर आकर, शुभम आज मेरा जन्मदिन है, मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता था, चलो चलते हैं, रोज तो काम रहता ही है ना, चलो चलो। यूं कहा शुभम की पत्नी, भैया पहले तो आपको जन्मदिन मुबारक हो। उन्हें शराब पीने की आदत नहीं है, ऊपर से काम भी ज्यादा है, कुछ मत समझिए, लेकिन वह नहीं आ सकते, यूं बोली शुभम। रहने देना, बेचारा पूछ रहा है ना, आज कपड़े की सिलाई तुम कर लेना, कहकर बापजी के साथ चले गया। वाइन शॉप के पास बापजी जबरदस्ती शुभम को शराब पिलाया। इससे शुभम लंगड़ते हुए आया और घर में गिर गया। उस दिन से शुभम को शराब की आदत हो गई। शुभम सुबह शाम पीने लगा। पीते हुए कपड़े सिलता तो औरतें देखकर उसे डांटती, तो शुभम उन्हें उल्टा डांटने लगता था। ये सब देखकर बाबजी बहुत खुश हुआ। इससे लोगों के पास चारा नहीं था और बाबजी के पास आने लगे। पीकर एक दिन शुभम गुजर गया। इससे पत्नी बच्ची बहुत दुखी हुए। एक दिन बाबजी एक बॉन्ड पेपर और कुछ बड़े लोगों के साथ आकर, सुनो तुम्हारा पति इस घर को गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिया, अब तुम पैसे भरोगी या घर छोड़ोगी, सोच लो, यूं कहा। वो उन्हें शराब पिलाने की आदत में डालकर उनकी जान तुमने ही ली है, उनके नशे की हालत में लिखाए होंगे, मैं पैसे नहीं भर सकती, अब ये घर तुम्हारा ही है, चलो बेटी चलते हैं, यूं बेटी से बोली। फिर वो गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे अपना मशीन रखकर बैठती थी। कभी कभार लोग आकर कपड़े सिलने के लिए उसे देते थे। वो दोनों बेचारे फिर उस पेड़ के नीचे ही खाते और वहीं सो जाते थे। एक दिन एक बड़ा सांप का बिल उछलते उछलते उनके पास आया। उसमें से एक बच्ची और एक बच्चा बाहर आए। दोनों कमर तक इंसान के रूप में थे और नीचे सांप के रूप में थे। दोनों के कपड़े फटे हुए थे। उन्हें देखकर माँ बेटी दोनों डर गए। सांप का बिल, माँ डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं, इनके कपड़े फट गए हैं, आने वाले नाग चौथ पर उनके लिए नए कपड़े दिलाऊंगी कहकर बोली थी, कृपया करके उन दोनों को नए कपड़े बनाकर दो माँ, ये एहसान हमें हमेशा याद रहेगा, यूं कहा। फिर वो दोनों के लिए नए कपड़े बनाकर दी। वो पहनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। तब सांप के मुंह से सोने के सिक्के बाहर निकले। वो देखकर माँ बेटी आश्चर्य में थे। सांप का बिल, माँ इस सोने के साथ खुशी से जीना, मैं हर महीने के आखिरी शनिवार यहाँ आऊंगी, तुम्हारी कोई भी इच्छा होगी तो पूरी करूंगी, कहकर बच्चों को लेकर वहां से निकल गई। वो पैसों में कुछ भाग बापजी को देकर अपने घर को वापस ले ली। गरीब लोगों की भी मदद करने लगी अपने घर के पास। वो देखकर बापजी, इस कमीनी के पास इतने पैसे कहां से आ गए, कहीं बैंक वैंक तो नहीं लूट लिया, पता लगाना होगा, यूं सोचा। फिर उनके घर के खिड़की से झांककर उनकी बातें सुनने लगा। तब उसे सब समझ आ गया। ओहो, तो उस सांप के वजह से इन्हें इतने पैसे मिले हैं, तो आने वाले शनिवार किसी भी तरह उस सांप से मुझे सोना कमाना है, ये वो सांप के घर तक नहीं पहुँचे, ऐसे कुछ करना होगा, यूं सोचा।
फिर शनिवार के दिन माँ बेटी बाहर नहीं आ सके ऐसे घर की कुंडी लगाकर उन्हें घर में बंद कर दिया। शाम का शुक्रिया अदा करने के लिए वे निकलना चाहते थे लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पाए। बाबजी अपने पूरे सेटअप के साथ उस पेड़ के नीचे शाम के बिल का इंतजार करने लगा। इतने में शाम का घर वहां आया। बाबजी, शाम का बिल, तुम मेरी बहन की मदद करे सुना, मैं भी बहुत गरीब हूँ, वही मुझे यहाँ पर भेजी, कृपा करके मुझे भी सोना दे दो, तुम्हारे बच्चों के लिए जो कपड़े चाहिए मैं सिलता हूँ। यूं कहा बस वो अचानक से गायब होकर उस पेड़ से बांधा गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी वो छुड़वा नहीं पा रहा था। तब शाम का बिल, क्यों रे कमीने, मुझे ही धोखा देने की सोच रहे हो? तुम जैसे कमीने के लिए ही ये शिक्षा है। वो रस्सी से बच निकलने के लिए वो ब्रह्मदेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मरने तक तुम ऐसे ही रहोगे। कहकर वहां से चली गई।